बच्चों का आंगन, शीर्षक क्रोध से अपना ही नाश, लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे बच्चे और बड़े सभी लोग प्रभावित हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं हिंसा और क्रोध की। आज के समय में यह समस्या हर एक घरों में प्रवेश कर चुकी है। बच्चे बड़े से सम्मानजनक बात नहीं करते, शांति का भाव नहीं दिखता तथा हमेशा अस्थिरता का भाव बना रहता है, और यही विकृतियां घरों से बाहर निकलकर समाज तथा देश को भी प्रभावित कर रही है। जब हम अपने आप को दूसरों से छोटा समझते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति नीचे चली जाती है और तब हिंसा और क्रोध उत्पन्न होता है, तथा जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। एक और कारण जो उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है, वह है व्यर्थ की इच्छाएं। हम देखते हैं, जब भी हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं, तब हमारा मन अशांत होने लगता है, हिंसा तथा क्रोध का रूप ले लेता है। इसका बुरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है। जब भी हम दूसरों की क्षति पहुंचाते हैं, चाहे वह मन, कर्म और वचन किसी भी तरह से क्यों ना हो, वह हिंसा कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के लिए बुरा ना सोचे, ना बोले और ना ही ऐसा कोई कर्म करे जिससे दूसरों को दुख की अनुभूति हो। पर बच्चों, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप उससे बचने के लिए उपाय करते हैं, जैसे कोई आपको बिना कारण मार रहा हो, तो उसे रोकने और मारने हेतु विवश होने पर वह हिंसा नहीं कहलाती है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जानबूझकर गलत व्यवहार ना करें, केवल ऐसा कार्य करें कि दूसरों की आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकें। ऐसा करना थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा संभव है। आओ बच्चों, उदाहरण के लिए हम सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक अपने क्रोध के लिए बदनाम था। वह अपनी बात ना मानने पर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया था तथा विश्व की सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध लड़ा, जिसमें दोनों ओर से 1-1 लाख सैनिक मारे गए थे तथा 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। इतना रक्तपात हुआ कि वहां से बहने वाली दया नाम की नदी में पानी के स्थान पर खून बहने लगा। इस लड़ाई से बहुतों का सब कुछ नष्ट हो गया। यह देख सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। अपनी गलती का बोध होते ही उसने अपने आप को बदल कर शांतिपूर्ण ढंग से राज्य करने का निर्णय लिया और प्रसन्नता से जीवन जीने लगा। क्रोध से कोई भी बात सुलझ नहीं सकती, क्रोध से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्रोध से कैसे हम अपनी हानि कर लेते हैं, उससे संबंधित एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक रविवार के दिन एक बढ़ई की दुकान के अंदर एक सांप आ गया। वह भूखा था। भूख के कारण वह इधर से उधर घूमने लगा। भोजन की खोज में घूमते घूमते उसका मुंह एक आरी से टकरा गया और सांप घायल हो गया। हम जैसा जानते हैं, सांप क्रोधी स्वभाव का होता है। जैसे ही सांप को चोट लगी, उसने क्रोध में आरी पर फिर से पलटवार किया।
इस प्रकार आरी पर बार बार प्रहार करने के कारण उसका मुंह लहूलुहान हो गया। सांप को इससे और अधिक क्रोध आया और उसने आरी को अपने शरीर से लपेट लिया। सुबह जब बढ़ई अपनी दुकान का दरवाजा खोला और सामने सांप को आरी से लिपटा मरा पाया तो उसे यह समझने देर नहीं लगी कि सांप अपने क्रोध के कारण ही उस आरी से लिपटकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। छोटे बच्चे बात बात में क्रोध करते हैं, सामान को इधर उधर फेंकते हैं, माँ पिताजी को उल्टा सीधा बोलते हैं। बच्चों, आप आज यह प्रतिज्ञा लो कि तुम कभी भी क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि इससे तुम्हारी ही क्षति होती है। बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध में हम दूसरों की हानि पहुंचाने के बजाय स्वयं का ही क्षति करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम अपने आप को शांत रखकर समानता का भाव रखते हैं तब हमारे भीतर एकाग्रता, सच्ची सोच, कार्यकुशलता, अच्छी वाणी और सही दिशा का विकास होता है। इससे हम स्वयं पर जीत प्राप्त करेंगे। यह सब करने के लिए हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, जिससे हमारा मन संयमित रहे और हम सही रास्ते पर चलते हुए प्रगति करें। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरें। इससे जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही विलक्षण होगा।